हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। आम का सीज़न आ गया है और कच्चे आम मार्केट में भी आ गए हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आम का अचार बना के रख लेते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने दो आम लिए हैं, कच्चे आम लिए हैं। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना है, इसमें कोई धूल के कड़ या कुछ ना रह जाए। मैं यहाँ मिक्स करके बना रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ आम का ही बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी सी ही गाजर का यूज़ किया है मेरा, क्योंकि हम थोड़ा अचार बना रहे हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें, और साथ में आप इसमें लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन की कलियाँ अच्छे से छिलके साफ़ करके इसको, सबसे पहले हम इसके पानी को पूरा अच्छे से पोंछ देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। ऐसे ही आम की तरह ही सारी चीज़ों को पोंछ के साफ़ करेंगे। आप इसमें अगर और कुछ नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ आम का बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें से और सब चीज़ें हटा के सेम प्रोसेस में बना सकते हैं। और अगर लहसुन ऐड करना चाहते हैं तो इसमें जिस भी चीज़, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, उसकी क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आम को हम कट कर लेते हैं। अगर इसकी जो बीज है वो, अगर बीज टाइट है तो आप इसको साइड से इसके पार्ट निकाल लें और उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लें। आप उसे छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। गाजर, मिर्ची, आम सबके पीसेस आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। बस इसमें पानी ना रहे, इसको अच्छे से धुल के पोंछ लें किसी कॉटन कपड़े से। देखिए यहाँ सारी चीज़ें कट चुकी हैं। अभी हम इनको सूखने के लिए रखेंगे, चाहे आप हवा में, पंखे में रख दें एक दिन के लिए, या आप धूप में एक घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। तो देखिए मैंने रख दिया था इसको, ये सूख चुके हैं। यहाँ मौसम बहुत ख़राब था और देखिए बारिश हो रही है अभी भी, बहुत देर से, जब से मैंने काट के रखा है तब से बारिश हो रही है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही हवा में सुखाया है। आप धूप में रख सकते हैं तो एक घंटे रखें। अब मैंने यहाँ थोड़े से मसाले लिए हैं, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 8-10 काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच मेथी है और 1 चम्मच काली राई है। तो ये मसाले मैंने लिए हैं, इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। पहले इनको रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इनका एक पाउडर बनाएंगे हम, बहुत रफली पाउडर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा महीन बारीक नहीं पीसेंगे। तो सबसे पहले सौंफ को ऐड करेंगे पैन में, क्योंकि सौंफ के दाने बड़े होते हैं तो छोटे दाने पहले जलने लगते हैं, इसलिए आप पहले बड़े दाने जो भी हैं, अगर आप धनिया भून रहे हैं, सौंफ भून रहे हैं, तो उनको पहले डालें। और थोड़ा सा भून जाने के बाद सारे मसालों को डाल दिया मैंने, और इनको अच्छे से देख सकते हैं आप क्रैकल हो रहे हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे, फिर इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। तो देखिए यहाँ दरदरा पाउडर मैंने बना लिया है इस सब मसालों का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। थोड़े से मसाले हम निकाल लेते हैं। हींग निकालेंगे, हल्दी लेंगे 1 चम्मच और हींग लेंगे, थोड़ा सा काला तिल या मंगरेल लेंगे छोटा चम्मच आधा, थोड़ी सी हम अजवाइन लेंगे 2 चुटकी लगभग, और लेंगे थोड़े से राई, पीली सरसों के दाने दरे हुए। इसको मैंने घर में ही दर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लगभग 2 टुकड़ों में हो। हल्का सा रोस्ट करें, बहुत हल्का सा, और उसके बाद उसको दर लें, ये बहुत ज़रूरी है पीली सरसों। यहाँ मैंने थोड़ा विनेगर लिया है, एप्पल विनेगर लिया है और सरसों का ऑयल लिया है। तो सरसों का तेल तो बहुत मस्ट है अचार में, आप सरसों का तेल ही यूज़ करें और किसी ऑयल में ना बनाएं। थोड़ा सा सॉल्ट भी यूज़ करेंगे, सॉल्ट तो यूज़ करना ही अचार में, और विनेगर तो आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल को, जो सरसों का ऑयल लिया था उसको आधे कटोरी लगभग मैंने पैन में गर्म कर लिया है। जब इसमें से धुआं उठने लगे, देख सकते हैं आप धुआं उठ रहा है, इतने तक इसको गर्म करें। जब इसमें धुआं उठने लगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। और सरसों के तेल से ही अचार अच्छा बनता है और प्रिजर्वेटिव। तो देखिए यहाँ तेल को ठंडा कर लेंगे हम, मतलब गुनगुना रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा ना रहे। तो ठंडा हो चुका है ऑयल, तो इसमें हम मंगरेल और अजवाइन डाल देंगे, जो बीज मैंने निकाले थे। इसको मिक्स करेंगे, फिर हल्दी, हींग और राई के जो दाने थे दरे हुए, और मसाले सारे ऐड कर देंगे हम इसमें ऑयल में। फिर डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे, उसके बाद हम इस सबको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 ढक्कन या 2 चम्मच के लगभग विनेगर,
और फिर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, फिर मिक्स करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अचार में थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट जाता है। और उसके बाद ऑयल भी आप चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने कम ऑयल का यूज़ किया है। और इन सब सारे अदरक, आम, गाजर, मिर्च सबको अच्छे से उसी मसालों में मिक्स करेंगे, जिससे पूरे मसाले उन पे कोट हो जाएं, अच्छे से लग जाएं। तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है अचार। अब मैंने लिया है एक जार, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। आप मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं और कांच के बर्तन में भी, प्लास्टिक को अवॉइड करें, प्लास्टिक में ना रखें, उसमें आपका अचार बिल्कुल उसकी स्मेल बदल जाती है और फिर ख़राब होने का भी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जार में, लगभग एक चम्मच, और उसको नीचे से फैला देंगे और थोड़ी सी हींग भी ऐड कर देंगे उसी में। अब हम सारे अचार को इसमें भर देंगे। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी अचार बन के तैयार हो गया है, और हम इसको अच्छे से इसमें भर देंगे और थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे, जैसे इसमें एयर ना रहे तो ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है। तो इस ये भर चुका है, अब हम इसको, आप इसको बंद कर दें और इसको तीन से चार दिन तक धूप में, एक एक घंटे, जैसे भी आपके पास कहीं थोड़ी सी आंगन में धूप आती है, बालकनी में आती है, तो आप एक एक घंटे रख सकते हैं। और अगर आप छत पे रख सकते हैं तो आप इसको पूरे दिन भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको रख दें, फिर 3 से 4 दिन में अचार बहुत अच्छा गल जाएगा। और आप बना के ऐसे रख लें, ये 4 से 6 महीने बहुत आराम से, साल भर भी चल सकता है, अगर आप इसमें पानी साफ़ हाथ से निकालें, इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए और थोड़ी धूप दिखाते रहें, तो आप इसको बहुत आराम से खा सकते हैं। कम ऑयल में बना है और बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें।